जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पत्नी का गुप्त धन। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो जो आज का हमारा जो विषय है कि जो उसका विषय का नाम है पत्नी का गुप्त धन। गुप्त धन सबको मिलेगा। तो आप हमेशा जो हमारी वीडियो देखते हैं उसमें हम कहते हैं कि सिर्फ भाग्य से गुप्त धन मिलता है और लाखों में से एक आदमी को गुप्त धन मिलता है। लेकिन आज जो हमारा वीडियो का टाइटल है उसमें लिखा है कि सबको गुप्त धन मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सबको गुप्त धन कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा, तभी आप ये बात समझ पाओगे। अब ये जो गुप्त धन होता है, जमीन के अंदर का जो गड़ा हुआ धन होता है, उसमें सोना चांदी होता है। तो अगर वो किसी को मिलता तो लोग क्या करते हैं, सोना चांदी बेचकर लोग उसके पैसे करते हैं। और ऐसा जो जमीन में गड़ा हुआ धन होता है वो लाखों में से किसी एक आदमी को मिलता है, और वो भी जिसको मिलता है उसको भाग्य से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता। तो मतलब जो सबसे बड़ा गुप्त धन जमीन के अंदर का होता है वो आपको भाग्य से मिलता है, यानी कि आपके जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो हमारे गुरु है, जो हमारे भगवान है, शनिदेव भगवान, वो शनिदेव भगवान कहते हैं कि जो इंसान होता है तो वो इंसान का जो अपना भाग्य होता है उस भाग्य का फल उसको मिलता है, भाग्य से उसको लाभ होता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी का जो भाग्य होता है, पत्नी के भाग्य का भी उसके पति को वो लाभ मिलता है, वो भी वो पूरा 100% लाभ मिलता है। जो उसके बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनका भी जो भाग्य होता है वो भी उनका भाग्य का लाभ वो जो पिता होता है वो पिता को मिलता है। लेकिन जो हमारा आज का विषय है कि पत्नी का गुप्त धन, तो क्या है ना कि ये जो पत्नी का गुप्त धन का जो विषय है कि भाग्य से गुप्त धन मिलता है, यानी कि जो पत्नी का भाग्य है उसका भी साथ आपको मिलता है। लेकिन क्या है कि लोगों को समझता नहीं कि उसका ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कैसे ले ले। 100 में से सिर्फ जो 20% लोग हैं उनको भी वो मतलब मालूम है कि पत्नी का भाग्य के लाभ कैसा लिया जाता है, लेकिन 80% लोगों को मालूम ही नहीं है। और वो भी उनका दोष नहीं, जो नव ग्रह आकाश में होते हैं नव ग्रहों का वो दोष होता है कि वो आदमी की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि पर प्रभाव डालते है। और लोग क्या करते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं वो झगड़ा करते हैं, उसमें मतलब उसमें वाद विवाद होते हैं। अगर नहीं भी झगड़ा करते तो मतलब उसमें वो उनमें ज्यादा प्रेम होता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, जो पत्नी का जो भाग्य है वो भाग्य का लाभ पति को मिलता नहीं है। अगर आपको पत्नी के भाग्य का लाभ अगर आपको चाहिए तो इसका जो उपाय मैं आपको आज ये बताऊंगा, सबसे आसान उपाय है। और इससे क्या होगा कि जो पत्नी का भाग्य उसका लाभ आपको मिलेगा, उससे क्या होगा आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। जो तो आपका जो कर्म है, जो आपका भाग्य, उससे तो आप पैसा कमाते हैं, लेकिन पत्नी के भाग्य से आपको डबल पैसा, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। इससे आपके पैसों में बढ़त हो जाएगी, आपके काम में बढ़त हो जाएगी, आपके व्यापार में बढ़त हो जाएगी। और इससे जो अगर व्यापार में बढ़त हो गई, पैसों में बढ़त हो गई, तो मतलब जाहिर बात है कि उस पैसों से आप कोई सोना चांदी खरीद सकते हो, बंगला गाड़ी खरीद सकते हो। इसलिए मैंने कहा है कि सबको गुप्त धन मिलेगा। क्या अगर कोई हमारे वीडियो को कोई साधु सन्यासी पंडित देखते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो पारिवारिक लोग हैं, जिनका संसार है, जिनका दाम्पत्य जीवन है, जिनके पति पत्नी है, तो उनको ये अगर वो उपाय करते उनको सबको लाभ मिलेगा। क्योंकि जो हमारे भगवान है, जो हमारे गुरु है, श्रीदेव भगवान है, और उनका जो लिखा है, उनको उनकी जो बातें जो बताई वो कभी झूठ नहीं हो सकती। इसका मैं 100% दावा करता हूँ, चाहे दुनिया में कोई बात सच हो या ना हो, लेकिन जो श्रीदेव भगवान की जो बातें है, जो मंत्र है, जो साधना है, वो हमेशा सच होती है। तो इसका आप लाभ कैसे ले, तो कैसे नहीं, तो पहले तो एक तो जो स्त्री होती, जो महिला होती, उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई बाहर की स्त्री हो, पहले तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शनिदेव भगवान बोलते हैं कि नारी का जो नारी शक्ति जो स्त्री है उसका सम्मान करिए।
अगर आप नारी शक्ति का अपमान करते तो शनिदेव भगवान आपको कभी माफ नहीं कर सकते, वो आपको ज्यादा साढ़े सत्य लगा सकते, ज्यादा आपको परेशान कर सकते। तो आपको क्या करना है कि पहले तो नारी शक्ति का आपको सम्मान करना है, और जो आपके घर में जो महिला है, माता हो, बहन हो, चाहे पत्नी हो, उनका भी सम्मान करना है। तो क्या है कि जो उपाय है, तो उपाय क्या है, पहली बात तो पत्नी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी आप काम मत करिए, ऐसी कोई भी आदत आप मत पालिए। और जो दूसरी बात है, जिस दिन शनिवार होता है, अगर आप हर शनिवार करते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका जो जो भाग्य पत्नी का भाग्य है उसका साथ आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहे वो हर शनिवार करिए, चाहे या महीने के पहले शनिवार करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक चम्मच शक्कर या एक चम्मच जो गुड़ होता है तो क्या करना, या कोई मतलब एक चम्मच कोई मीठा पदार्थ ऐसा मान लीजिए, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी पत्नी होती है मतलब उसको शनिवार के दिन शनि भगवान का जो मंत्र होता है वो मंत्र में डिस्प्रेशन बॉक्स में आपको मैं लिख दूंगा। अगर वो मंत्र आप नहीं भी बोल सकते, आपको वो मंत्र कठिन लगता है, तो क्या करने का, सिर्फ शनिदेव भगवान का ये एक बार नाम लेने का, कितना, सिर्फ एक बार नाम लेने का, और एक जो एक चम्मच शक्कर है या एक चम्मच गुड़ हो या कोई मीठा पदार्थ हो वो आपके पत्नी को खिलाना है। और ध्यान रखिए कि जो शनिवार का दिन होता है कि उस शनिवार के दिन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, खास करके पति को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी पत्नी की उसके साथ आपका झगड़ा ना हो, उसका वो दिल ना दुखी, वो नाराज ना हो, क्या वो खुश रहनी चाहिए कम से कम शनिवार के दिन। क्या मैं तो कहूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, आपका जो परिवार हो हरा भरा, सुख शांति आपके परिवार में आई, ये तो मेरी यही भगवान से दुआ है, भगवान से प्रार्थना है। लेकिन कम से कम शनिवार के दिन अगर आप ये नियमों का पालन करते हैं तो ये मेरी आपका आपसे 100% गारंटी है, मेरा दावा है कि शनिदेव भगवान की कृपा से आपका जो पत्नी का भाग्य वो जाग जाएगा और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और पति पत्नी को भी, पति को बेनिफिट मिलता तो पत्नी को वो मिलेगा ना, दोनों का भी उसमें फायदा हो जाएगा। तो ये जो, क्योंकि शनि जो भगवान है वो भाग्य विधाता है, शनिदेव भगवान के बिना किसी का भी भाग्य जाग नहीं सकता, वो भाग्य विधाता है, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, न्यायदाता है। तो अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।